किया है, हमने देखा कि जो बेटियों के लिए स्पेशली जो इनिशिएटिव किया, क्या कहना चाहेंगे इस समाज के बारे में और जो इनिशिएटिव समाज के लिए? सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रजासत्ताक दिन का मैं आपको बधाई देता हूँ सभी लोगों को। और यहाँ पर सोनकर समाज द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है बहुत ही सुंदर आयोजन है। और सोनकर समाज कोई भी पहचान का मोहताज नहीं रहा और न कभी रहेगा। यहाँ पे जो भी कार्यक्रम है, हम तो ये मानते हैं कि आज 26 जनवरी है और 75वां प्रजासत्ताक दिन आज हमारे देश ने मनाया है। हम सचमुच देखे जाए तो आज हम लोग कहीं ना कहीं स्वतंत्र हुए हैं। किस तरीके से कि जो हमारे राम जन्मभूमि पे जो मंदिर हुआ है, जो हमारी पीढ़ी है, हमारी पीढ़ी भाग्यशाली है, हम सब भाग्यशाली हैं जो हम लोगों ने ये मंदिर को बनते हुए देखा है। 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ कहीं ना कहीं। और इस पीढ़ी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, इस भाग्यशाली पीढ़ी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, इस सोनकर समाज को धन्यवाद देना चाहूँगा, आयोजकों को धन्यवाद देना चाहूँगी। ये सुंदर कार्यक्रम आज 26 जनवरी के दिन उन्होंने यहाँ पे आयोजित किया है। और बेटियों के बारे में जो इन्होंने किया, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सन्मान्य एकनाथ शिंदे साहब ये कभी भी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। महिला सशक्तिकरण करने के लिए वो कभी भी आगे बढ़, आज भी उन्होंने सारी योजनाओं को एक छतरी के नीचे ला के रख दिया है कि महिलाओं को पढ़ाओ, महिलाओं को एक संगठित करो, महिलाओं को प्रशिक्षित करो, महिलाओं को आगे ले जाओ और उनको कहीं ना कहीं उनको इतना सशक्त बनाओ कि वो अपने पैर पर खड़ा होकर कहीं ना कहीं अपना व्यवसाय कर पाए, कहीं ना कहीं अपने पैर पर खड़े रहें। और इसलिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। तो मैं धन्यवाद दूंगा इस समाज को, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उत्तर प्रदेश। क्या कहना चाहेंगे सर, जो बेटियों के लिए किया और इतना बड़ा प्रोग्राम किया? सही मायने में आज मैं दिल से और दिल की गहराइयों से हमारी पूरी शिवसेना की टीम, हमारे साथ उपस्थित थाने जिला संगठक श्री सम्मानित श्री शशि यादव जी और हम सभी लोग आज सचमुच सोनकर समाज उत्थान की बात सोचता है और उत्थान के लिए अग्रसित है। ये देश तभी अग्रसित होगा जब हमारे यहाँ बेटियाँ शिक्षित होंगी, समाज शिक्षा की तरफ जाएगा, तब हम जो है बेरोजगारी, अपनी कटुता और निष्प्रभुता को सम्मुख लाएंगे और लोगों में ये बताएंगे कि हम भाईचारे में भी विश्वास रखते हैं। आज हमारा संगठन, हमारा समाज कहीं पीछे जा रहा था, लोगों ने उंगलियां उठाने की कोशिश की, लेकिन मैं उन्हें ये बताना चाहूँगा, उन्हें आग्रह करूँगा कि आप ऐसा नहीं समझे, जिंदगी की वो दौर है, जिंदगी वो बुलंदी है जब अपनी आकांक्षाओं पे आता है, जब तूफान पे आता है तो कश्ती को भी पता नहीं रहता कि मौज कैसे आते हैं। आज आप लोगों ने जो मौज लाया है, आप लोगों ने जो समाज को एक दुति दी है, एक प्रकाश दिया है, मैं चाहूँगा कि यहाँ का एक एक बच्चा, एक एक युवा यहाँ पर एक प्रणेता नेता बने और हम सभी लोगों को एक समाज की एक बड़ी जिम्मेदारी से अवगत कराए। हम शायद कहीं टूटे रूठे थे लेकिन उस पत्तियों को मालूम नहीं था कि जिसने कभी जोड़ने की श्रृंखलाएं सीखी हैं, कभी बारिश में भी साबाद बेलें सूख जाती हैं लेकिन हरे पेड़ों के गिरने का कोई मौसम नहीं होता। आप समाज को इसी तरह से दीपक दिखाएं, इसी तरह से आईना दिखाएं। और सम्मानित श्री ओमकार सोनकर जी का मैं साधुवाद देता हूं और दिल से, तहे दिल से आशीर्वाद है कि आप इसी तरह से इस समाज के उत्थान में इसी तरह की भूमिका निभाएं जो हम सभी लोगों के लिए एक आईना का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सोनकर समाज में एक सलाहकार के जिम्मेदारी से मैं यह कहना चाहता हूं कि आज सोनकर समाज का मुंबई से जो आज ये दूसरा साल ये प्रोग्राम के लिए हो रहा है और समाज में हमारा जो लोगों ने किस संदेश ये देना चाहते हैं कि हम लोगों जो समाज के प्रति लोग जुड़े हुए हैं और आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र में हम लोग एक सोनकर समाज से जुड़े हुए लोग आके यहाँ पे
रोजी रोटी के लिए बसे हुए हैं, और हम लोगों ये आप लोगों के माध्यम से एक चीज़ पहुंचाना चाहते हैं कि हम लोगों के लिए भी एक आगे प्रोग्राम के लिए या कुछ चीज़ के लिए या ऑफिस के लिए कोई भी जो है यहाँ का जो गवर्नमेंट है वो मदद करे तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि आज हम लोगों को बहुत कठिनाई हो रही है कि हमारे समाज के लोगों को जगह जगह पे प्रोग्राम लेने के लिए जगह ढूंढना पड़ रहा है। तो आप लोग से इस मीडिया से मैं ये कहना चाहूँगा कि यह लोगों तक आप लोग पहुँचाएँ कि हम लोग बड़े तादाद में हैं, लेकिन हम लोग अभी लोगों को, यह दूसरा साल है, आगे यह बढ़ते ही जाएगा, तो आगे अगर बढ़ेगा तो हम लोगों को प्रोग्राम के लिए जगह की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप लोगों से यही मैं विनती करूँगा कि हम लोग जो आज चल रहे हैं और हम लोग ऐसे चलते रहेंगे, और हम लोग इसी सोनकर समाज, हम लोग एक दूसरे का मदद जो करना चाहते हैं अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, तो आप लोगों से मतलब विनती है कि आप लोग इस चीज़ को हमारे पहुंचाएं, और यहाँ के महाराष्ट्र सरकार इस चीज़ को समझे और यह सोनकर समाज के लिए मदद करें। जो समाज है ना, ये काफ़ी सालों से है और इसने हमेशा इतिहास रचा है। तो हमारे समाज में जैसे कि अभी इतने सालों से जो पब्लिक है वो हमारा प्रोग्राम है ना लॉयर परेल में होता था दीपक टॉकीज पे, तो अभी इतने साल के बाद है ना ये थाना में सेकंड ईयर से, वो मतलब लास्ट टाइम हुआ और ये सेकंड टाइम है। तो इसमें सारे सहयोग मेरे जो समाज के परिवार है सारे लोग अच्छा सहयोग दिए हैं मुझे, और मैं चाहता हूँ कि मेरे सहयोग मुझे हमेशा बना रहे मेरे समाज का और मेरे परिवार का, ताकि मैं अपने समाज को आगे ले जाऊँ, और सहयोग देंगे तभी मैं आगे बढ़ सकता हूँ और समाज में एकता बनी हुई रहनी चाहिए। और बाकी मैं कुछ बोलूँगा नहीं, और हमारे बड़े भाई है, हमारे मामा है कैलाश सोनकर जी, वो कुछ दो शब्द बोलेंगे। बहुत पुराने इन्होंने समाज के लिए काफ़ी मेहनत की है, आज 35 सालों से इन्होंने मेहनत की है और इनका मेहनत आज रंग लाए। हम लोग युवा पीढ़ी है और युवा पीढ़ी हम कुछ बोलना चाहते हैं, ताकि मेरे मामा दो शब्द आपको बताएंगे। बहुत अच्छा हस्ती है, मैं चाहता हूँ समाज को कि ये समाज इतनी तरक्की करे कि लोगों के लिए ये मिसाल बने। और फूलचंद ओमकार सोनकर जो हैं, ओमकार फूलचंद सोनकर, ये इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं पिछले दो सालों से। पिछले साल भी कार्यक्रम हुआ था और इस साल तो और आगे बढ़कर ये कार्यक्रम हुआ है, और मैं समझता हूँ कि इसी तरह अगर ये कार्यक्रम सभी लोगों का सहयोग मिलता रहा तो आगे ही बढ़ेगा और चलता ही रहेगा। जिम्मेदारी है ना श्री राजकुमार सोनकर को हमने दिया है, ये हमारे काफ़ी सालों से ना समाज को ना लड़का लड़कियों को जोड़ने का काम काफ़ी करते हैं और काफ़ी सालों से करते आए हुए हैं। और मेरे हिसाब से इन्होंने कम से कम 50 से 60 शादियाँ करवाए हैं अपने मुंबई से लेके यूपी तक, तो ये कुछ आपको अच्छा मार्गदर्शन देंगे। हमारे आदरणीय सब बड़े समाज सेवक पहले से रहे हैं, और हमारा कार्यक्रम परेल में हो रहा था और हम लोग इसको थाना में किए, और जो हमारे युवा समाज सोनकर हैं प्रतिभाओं हैं उनमें, और अब युवा को लेकर ये चीज़ें आगे बढ़ा रहे हैं समाज के कार्य को, और समाज के जितने भी शादी विवाह का कार्य है समाज के प्रति एक दूसरे से परिचित सम्मेलन होगा, लड़का लड़की का जो मैसेज है परिचय सम्मेलन भी होगा और आगे बातचीत होगा और उनको शादी विवाह करने में आसानी होगा। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? बहुत अच्छा, हमें तो उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का आयोजन होगा। मैं पहली बार यहाँ शामिल हुआ हूँ, मैं तो बिहार से बिलोंग करता हूँ, यहाँ मेरी फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन हो रहा है इसलिए मैं आया था, और ये धर्म दुबे जी और ये अमित जी ने दोनों ने मुझसे संपर्क किया, कहा कि आप भी चलिए, तो मैं आया। बहुत बहुत खुशी है, आभारी हूँ मैं इन लोगों का, इन लोगों ने इतना अच्छा कार्यक्रम किया, मुझे बुलाया। हाँ, भाग दौड़ मशीनी ज़िंदगी में थोड़ा सा हंसी मजाक का समय मिले, थोड़ा गाना बजाने का समय मिले तो ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, एक ऐतिहासिक फिल्म है चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी चंपारण गए थे, पहला सहयोग आंदोलन वहीं से हुआ था, वही फिल्म है, उसी पर हिंदी मूवी है, आपके यहाँ भी लगेगी, ऑल ओवर इंडिया रिलीज होगी, मार्च में रिलीज होगी फिल्म।
सर, आप क्या कहना चाहेंगे के बारे में जो सुनकर समाज ने लिया है? जी, मैं यहाँ पे आकर बहुत खुश हूँ। ऐसी एकता हर समाज में होनी चाहिए और इन लोगों ने जो इन्होंने कदम उठाया है, मैं देख रहा हूँ कि जो गरीब इंसान हैं, जो गरीब उनके समाज के लोग हैं, उनको भी लोग काफ़ी सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे उनकी बेटियों की शादियाँ हो गई या कोई भी, इन्होंने कहा हमारे समाज से जुड़े कोई भी लोग उनके साथ अगर कुछ गरीबी रेखा में है या फिर कोई दिक्कत है उनको, तो उनको कहें डायरेक्ट सुनकर समाज से संपर्क करें और वो ये समाज उनको मदद करे। ऐसे हर समाज को होनी चाहिए, हर समाज में ये जो वीडियो आप लोग, मैं बोलना चाहूँगा आप लोग के माध्यम से इस वीडियो को आप लोग हर घर तक पहुँचाएँ और ऐसा समाज का गठन हर समाज में होने के लिए मैं सबको आग्रह करता हूँ। सर, मुझे तो आके यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है और जो ये प्रोग्राम रखे हुए हैं ना, उनके तरफ से मैं बहुत खुश हूँ। और ये जो गरीबों का शादी की बात की है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि सोनकर समाज को, मतलब जिसको भी परेशानी है, शादी नहीं कर पा रहे हैं, दहेज नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए इन्होंने बहुत अच्छा बताया कि आप यहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं, बता सकते हैं और उनके उनका सोनकर समाज उनका मदद करेगा। जी, मैं अभी तुरंत थोड़े दिन पहले एक फिल्म की शूटिंग मैंने कंप्लीट की है, 10 दिन पहले। फिल्म का नाम है पिता और जो इस वक्त होस्ट कर रही है वो मेरी फिल्म की अभिनेत्री वही है, उन्होंने ही बेटी का किरदार निभाया है। और यहाँ आकर मुझे एक बहुत खुशी ये मिली, यहाँ इतनी बेटियाँ, इतनी माँ बहनें हैं कि कम से कम ये दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू यू नो प्रमोट माई मूवी। और मैं बहुत आभारी हूँ सोनकर समाज का जो उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, मैं यहाँ आ करके बेटी माँ बहनों के तक अपनी फिल्मों को पहुँचा सकूँ और आप लोगों के माध्यम से घर घर तक अपनी फिल्मों का यू नो देखने की आग्रह कर सकूँ। कितनी बड़ी बात है कि एक समाज के लिए इतना लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप सभी को हमारा नमस्ते और प्रणाम। और मुझे यहाँ आने से पहले ये चीज़ पता चली थी कि जिस वजह से ये लोग ये इवेंट रखे हैं वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। अक्सर ये हर समाज में होता नहीं है और मैं तो चाहूँगी कि हर समाज में ऐसी चीज़ें हो। एक्चुअली में पर्पस ये है ना इनका जो ये इवेंट है कि बहुत सारे ऐसे असहाय लोग होते हैं जो अपनी बेटी की शादी करवा नहीं पाते हैं, तो ये समाज ऐसा है कि सब लोग एक साथ मिलकर अगर किसी कोई अपनी बेटी की शादी नहीं करवा पा रहा है तो दे आर हेल्पिंग ईच अदर, एक दूसरे को इतना मदद करते हैं कि किसी एक पिता की सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं और उनकी बेटी की शादी हो जाती है। ये अपने आप में कितनी अच्छी बात है, तो वी आर तो एक्चुअली वेरी प्राउड कि हम ऐसे इवेंट का एक हिस्सा बने हैं। ट्रू। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहूँगी कि इस इवेंट में आके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे एक गरीब है या फिर किसी लड़की को प्रॉब्लम होती है, अंदरूनी प्रॉब्लम या सुन नहीं पाती, कुछ लड़कियाँ चल नहीं पाती, बहुत सारे लड़का लड़की दोनों में प्रॉब्लम होते हैं, तो अगर इस इवेंट में आके अगर एक लड़का एक लड़की जिनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम जाकर तो देख नहीं सकते हैं, हम अगर एक यहाँ पे जो इवेंट हो रहा है यहाँ पे लिखा जाता है कि हमारी बेटी में ये प्रॉब्लम है हमारे, तो अगर एक दूसरे को वो मंजूर होता है और फिर शादी होती है एक्सेप्टेड और उसके साथ ये सब लोग सहयोग करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। और ये इवेंट जो हो रहा है ये हमारे समाज में भी होता है जायसवाल, तो हमें मतलब इस चीज़ का मुझे बहुत अच्छे से पता है होता है ये। ऑल्सो रिपब्लिक डे का मौका है, कुछ कहना जी सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे हमारी तरफ से और जय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। और अब तो हम बोलेंगे जय सिया राम, एक्चुअली मैं जय श्री राम। थैंक यू।